What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 11 जून 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। कल हमने देखा काफी एक स्लगिश पैटर्न निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, हालांकि इनसाइड बायर ट्रेडिंग चल रहा था। पूरा दिन एक वॉलेटाइल फेज देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में। आज एक्सपायरी है तो हो सकता है फिर से ये एक बार एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए हमें दिखे। तो सबसे पहले कल क्या हुआ, कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल का अगर ये सीनारियो अगर आप देखें, ये कल का सीनारियो है, ट्रेंडलेस मार्केट था। यहाँ पर ये जो हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर मार्क किए थे, इसके बीच में ये पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। ना ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया और ना ही ब्रेकडाउन लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्री मार्केट प्लान था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। एक स्लगिश वे में मार्केट कल ट्रेड हो रहा था, इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था। तो आज क्या होगा निफ्टी इंडेक्स में, पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो नास्डेक में फिर से एक बार नए रिकॉर्ड हाई देखने को मिले, 66 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो फिर से तीसरे दिन लाल निशान में यूरोपियन मार्केट्स बंद हुए। एशियाई बाजार देखें तो लगभग सभी इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी हल्की सी कमजोरी इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 190 पॉइंट्स के गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हमने ड्रॉ किया, ऊपर 10,276 का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद ये 50 EMA और 100 EMA जो कि अराउंड अभी 10,700 के आसपास आ रहे हैं। 10,600 to 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन सकता है यहाँ पर, अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ ये 61.8% के लेवल के ऊपर की तरफ चलता है तो। नीचे देखें तो ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये लगभग 10,000 लेवल के पास आ रहा है और यहाँ पर ही 50% का ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है। तो 10,000 काफ़ी एक क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर ये फिर से एक बार ब्रेक होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है इस वीक में, तो फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ हमें ये निफ्टी इंडेक्स मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो कल का ये कैंडल बोरिंग कैंडल था, इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था। यानी जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई और लो, ये रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। तो काफ़ी यहाँ पर एक स्लगिश वे में पैटर्न देखने को मिला ट्रेडिंग का। अगर निफ्टी इंडेक्स अभी ये 100 EMA, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, 100 EMA काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 10,043 के पास है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हम यहाँ पर ये प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है इसका हाई और लो अभी ये ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे, ये लो और ये हाई को पकड़ के, तो अगर नीचे भी आता है निफ्टी इंडेक्स तो जहाँ से ये कुछ दिनों पहले यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था, तो हो सकता है इसी लेवल के पास जहाँ पर 23.6% का भी लेवल आ रहा है, तो 10,000 लेवल को पेनिट्रेट करके फिर बाउंस बैक हो सकता है। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, 23.6% को कंफर्टेबली ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नीचे की तरफ फिर से एक बार 9,700 के निफ्टी में हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुका है 10,300 से, तो ऊपर जाते हो कि इसको काफ़ी दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। अगर ऊपर जाता है और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आता है और यहाँ पर यह डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा, तो इसका नेक लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से यहाँ से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्विंग हाई जो ये बना है इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बना हुआ है, तो ये 10,300 का लेवल अभी काफ़ी हर्डल का काम कर सकता है। तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, कंफर्टेबली सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से हमें इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था डेली वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे आज के लिए। तो ये कल का सिनेरियो है, देख सकते हैं आप कैसे ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। ऊपर जाते वक्त ये कंटिन्यूस 60 मिनट के चार्ट में ये जो 20 EMA है इसको ये पेनिट्रेट कर रहा था, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर आज भी हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वो होगा R1 का लेवल 10,164, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 10,200, सेकेंड टारगेट होगा 10,229। सिर्फ ब्रेकडाउन लेवल हमारा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये जो ब्लू लाइन है ये 50 EMA का लाइन है, पहले तो कल का लो ब्रेक होने दे, फिर बाद में ये जो इनसाइड पार्ट ट्रेडिंग का ये जो लो का रेंज था यानी 10,021 इसको भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये ब्लू लाइन का यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है, इनको सबको कंफर्टेबली अगर क्लियरली ब्रेक करता है। और नीचे S2 का ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यानी 9,986 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,961, ये हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S3 का लेवल जो कि 9,940 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल ID के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेम्बरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट ID है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेम्बरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।